नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज नेशन में। आज 15 अगस्त 2021 और 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तब से लेकर आज तक भारत अपना 15वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। चलिए आज आपको दिखाते हैं कि पूरा का पूरा जिस तरह से भारतीय सेना ने तैयारियां कर रखी हैं, कई राज्यों में आतंकवादी गतिविधियां भी देखी गई हैं, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जिस तरह से हुंकार भरने वाले हैं और पाकिस्तान को लेकर, यह आपको बड़ा, हम आपके सामने बड़ा खुलासा करने वाले हैं कि पाकिस्तान की हेकड़ी निकलने वाली है। इसीलिए भारतीय सेना का सम्मान कीजिए, भारत के तिरंगे का सम्मान कीजिए और भारत की जनता का सम्मान कीजिए, क्योंकि 1900 जिस तरह से कल पाकिस्तान ने अपना बर्थडे मनाया, उसे स्वतंत्रता दिवस नहीं बल्कि बर्थडे मनाया, और उसके बाद भारत में आतंकी गतिविधियों में इजाफा देने की बात कही। लेकिन हमारा भारत देश महान देश है, भारत से बड़ा कोई देश नहीं है और भारत से सुख और समृद्ध वाला कोई देश नहीं। इसीलिए तो कहते हैं, देश सलामी इस तिरंगे को, जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है तब तक आपको तिरंगे को ऊपर रखना होगा। कुछ नशा तिरंगों की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के सम्मान का है। और भारत आज जिस तरह से 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 2021 पर खास क्या है, चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। भारतीय सेना ने फहराया अब तक का सबसे ऊंचा तिरंगा। भारतीय सेना ने स्वतंत्रता दिवस के कुछ रोज़ पहले ही 10 अगस्त मंगलवार को अब तक का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराकर एक मिसाल कायम कर दी है और 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को और अधिक उत्साह से परिपूर्ण कर दिया। सेना द्वारा फहराए गए इस तिरंगे की ऊंचाई लगभग 100 मीटर है। बता दूं, जिसे जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फहराया गया। इस कार्यक्रम को भारतीय सेना और सोलर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने संयुक्त रूप से संचालित किया। इस कार्यक्रम की आधारशिला 7 फरवरी 2021 को रखी गई थी, जिसके बाद 10 अगस्त 2021 को इस ध्वज को राष्ट्र को समर्पित किया गया। वायुसेना ने बैंड के जरिए स्वतंत्रता दिवस समारोह की भावना को उजागर किया, जिसे देखकर पाकिस्तान के होश उड़े हैं। बता दूं आपको, 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए वायुसेना दिनांक 10 अगस्त को बेंगलुरु के सेना बैंड के माध्यम से देशभक्ति की धुन प्रस्तुत दी। इस प्रस्तुति के लिए दर्शक के रूप में सशस्त्र बलों के सदस्य, कुछ प्रमुख नागरिक तथा कर्नाटक के राजनीतिक नेतृत्वकर्ता मौजूद थे। प्रमुख नागरिकों में मैसूर से तत्कालीन शाही परिवार से प्रमोदा देवी वाड़ियार और आमंत्रित किया गया था। 75वें स्वतंत्रता दिवस की थीम होगी राष्ट्र पहले हमेशा पहले। इस बार के स्वतंत्रता दिवस को एक विशेष थीम के अंतर्गत मनाने की योजना तैयारियां की गई हैं, जिसका शीर्षक है राष्ट्र पहले हमेशा पहले। इस थीम के जरिए राष्ट्र के नागरिकों को समस्त कार्य इससे ऊपर बताया गया है और सभी भारतवासी के लिए भारत को हमेशा सर्वोपरि और प्रथम प्राथमिकता देने की बात कही गई है। इस बार 15 अगस्त 2021 को इसी थीम के अंतर्गत स्वतंत्रता दिवस का उत्सव मनाया जाएगा। दिल्ली सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए शुरू की और एक औपचारिक दौड़ दिल्ली सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए एक आधिकारिक दौड़ की है। शुरुआत में जिसका नाम रन फॉर दिल्ली @75 है, इस दौड़ को दिल्ली सचिवालय से राजघाट तक संपन्न किया जाएगा। वहीं पर मैं आपको बता दूं, जामिया मिलिया इस्लामिया 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए करेगा मुशायरे जश्न ए आज़ादी का आयोजन। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जो हैं जनाब साहिद महदी, तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय हैदराबाद के कुलपति प्रोफेसर एस एनुल हसन को आमंत्रित किया गया है। ये हमने आपको बता दिया कुछ बड़ी चीज़ों को लेकर कि किस तरह से हर राज्यों में लगभग अलग अलग की तरह की चीज़ें देखी जाएंगी और भारत इस बार अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस काफ़ी ज़्यादा धूमधाम से मनाने जा रहा है। और ओनली न्यूज नेशन की पूरी टीम 75वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और यही हम चाहते हैं कि भारतीय सेना पर कभी सवाल ना खड़ा करें,
दूसरी बात, देश में एकजुटता का परिचय दें। धार्मिक कट्टरता से दूर भागें, क्योंकि जब भी आप किसी धर्म को लेकर कट्टरता दिखाते हैं, अपने धर्म मजहब को लेकर आप कट्टरता दिखाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई ये सब नारे हैं, तो इसका कहीं ना कहीं गौर करने अमल करने की बात है। आप सब लोग उस पर ध्यान दीजिए, देश को आगे बढ़ाइए। जब देश महान हो जाएगा तो यहाँ पर रहने वाले सभी धर्मों को बराबर मान्यताएँ अभी भी दी जा रही हैं, आगे भी दी जाएंगी, और आप लोग भी विकास करेंगे। क्योंकि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर कट्टरता नहीं, लेकिन कुछ लोग पड़ोसियों को देख देख कर कट्टर हो रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में राय लिखिए, जय हिंद जरूर लिखिए। और आज जिस तरह से आज ही के दिन भारत को आजादी मिली, उसके बारे में दो चार लाइन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।